Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a new education policy analysis. So, new national education policy lai gayi hai 2020 mein aur ab दो ढाई सालों में उस पर कितना काम हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसको इस आर्टिकल में एनालाइज किया गया है. तो देखते हैं, इससे रिलेटेड कई सारे हमें एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ डेटा मिलेंगे जो आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं. तो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम एजुकेशन सेगमेंट. न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ब्रीफली ज़रा समझ लीजिए. देखिए, हर लगभग 20 से 30 सालों में एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई जाती है. जैसे पहली लाई गई थी 1968 में, फिर दूसरी लाई गई 1986 में, और अब 2020 में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई. तो जब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई जाती है तो उसकी मदद से जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाती है. तो जो लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, विच इज़ थर्ड इन नंबर, वॉज ब्रॉट इन 2020. और अगर इसके फोकस एरिया देखें, बिल्कुल अगर आप एसेंस देखें जहाँ पे मेन फोकस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो वो है पेडागोगी स्टाइल, मतलब पढ़ाने का तरीका. बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंशियल होना चाहिए. एक्सपीरियंशियल से हमारा मतलब है कि उनकी लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, समझ पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि मगिंग पे, फैक्ट्स डेटाज रटने पे कम ध्यान. और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की वो ज़्यादा अच्छे से बननी चाहिए. इंक्वायरी ड्रिवन पढ़ाई होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. तो जिसको हम लोग कहते हैं ना रैशनल थिंकिंग या साइंटिफिक थिंकिंग, वो डेवलप करने पे होना चाहिए फोकस पेडागॉजिकल स्टाइल का, मतलब पढ़ाने के तरीके का, शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग. एंड देन अनदर एसेंशियल एरिया इज नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस. अभी तक कैसा है कि हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आर्ट्स या साइंस में काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेशन है. आर्ट्स में बिल्कुल अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, साइंस में अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट का अपना अपना फ़ायदा है. साइंस से क्रिटिकल थिंकिंग आता है, तो आर्ट्स पढ़ने से डीपर थिंकिंग करने की, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की कैपेबिलिटी आती है. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस करता है कि दोनों स्टूडेंट्स को, अगर आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स ज़्यादा पढ़ाइए बट कुछ साइंटिफिक नॉलेज भी दीजिए, और साइंस वाले हैं तो लाइकवाइज साइंस पे ज़्यादा फोकस रहे लेकिन कुछ आर्ट्स लिटरेचर भी पढ़ाया जाए. ये सब हैं एसेंशियल या फोकस एरिया ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है बिल्कुल कोविड पैंडेमिक के बीच में. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2020 एंड दैट इज़ वाई इसका जो स्टार्ट है दैट वॉज क्वाइट स्लगीस, स्लो स्टार्ट था बिकॉज ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक एंड एसोसिएटेड डिसरप्शन. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम प्रोग्रेस हैज बीन ब्रॉट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. क्या इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्रेस लाए गए हैं अभी तक, वो जरा देखते हैं. CUET का एग्ज़ाम लाया गया है जो एक तरीके का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में इनकरेज किया जा रहा है अपनी कैंपस खोलने के लिए. तो फोकस किया जा रहा है कि जो टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोलें. और इस डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव आउटकम भी आया है. फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया से डेकिन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग हैव ओपनड और डिसाइडेड टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया. BTech प्रोग्राम हैज़ बीन नाउ रोल्ड इन रीजनल लैंग्वेजेज ऑल्सो. तो इस तरीके से ज़्यादा इंक्लूसिवनेस लाने की कोशिश की जा रही है पढ़ाई में. परख इनिशिएटिव लाया गया है. परख इनिशिएटिव हमने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था. अलग अलग बोर्ड्स एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड होता है इवैल्यूएशन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी बोर्ड में आपके अगर 65 या 70% भी मार्क्स आ जाते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, जबकि कुछ कुछ बोर्ड्स में आराम से 95-98 तक लोगों के मार्क्स आ जाते हैं. तो ये जो वेरिएशन है इसको एक यूनिफॉर्मिटी इनमें लाने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इसका नाम है परख. परख क्या करेगा, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं या जितने भी अलग अलग बोर्ड्स हैं उनके बीच में इवैल्यूएशन के प्रोसेस में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करेगा. डिजिटल स्टोरेज ऑफ अकाडमिक क्रेडिट. तो अब हम लोग जितने भी कोर्सेज करेंगे उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टोर किया जा सकता है. अभी इसमें नए नए चीज़ें भी प्रपोज्ड हैं कि जैसे कि आपका 4 साल का कोर्स है, आपने 2 साल कोर्स किया, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया 2 साल या 3 साल का,
वापस से फिर से आप वहीं से 2 साल का कोर्स जितना आपने किया उसके बाद से आप रिज्यूम कर सकते हैं, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कर सकते हैं। तो इसके लिए लाया गया है एकेडमिक बैंक। आप 2 साल का कोर्स कर लें 4 साल में से, और अपना जो 2 साल का जो प्रोग्रेस है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स को आप एकेडमिक बैंक में जमा करें डिजिटल फॉर्मेट में, और फिर 2 साल बाद 4 साल बाद जब भी आप ब्रेक लें, वापस से ब्रेक से लौटने के बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से एकेडमिक बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया है, विच इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑफ एकेडमिक क्रेडिट विच विल बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स एज फार एज देयर एकेडमिक प्लानिंग इज कंसर्न। बहुत बार किसी कारणों से स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट कर जाना पड़ जाता है, तो उस हिसाब से वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं। निपुण भारत स्कीम, ये भी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा है। निपुण भारत स्कीम में कैसा है, 3 से 9 साल तक के बच्चों को बेसिक लिखना पढ़ना और मैथ्स के बेसिक सॉल्व करने पे फोकस किया जा रहा है। 100 दिन का रीडिंग प्रोग्राम वगैरह सब लॉन्च किया जा रहा है। फाउंडेशनल लिटरेसी ऑफ चिल्ड्रेन एज बिटवीन 3 to 9 ईयर्स। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं इंडिया लेवल पे। हमने 3-4 दिनों पहले ही देखा आसाम सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कंक्रीट स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारे आसाम में, एंड विद दिस आसाम गवर्नमेंट हैज़ बिकम वन ऑफ द फर्स्ट टू लॉन्च चेंजेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम एज एंड इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन देर आर सम एरियाज ऑफ कंसर्न ऑल्सो एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न है सबसे बड़ा रिडक्शन इन बजटरी एलोकेशन। भाई एक तरफ तो आपने एम्बिशियस टारगेट्स रख दिए हैं कि हमें ये टारगेट्स अचीव करने हैं बाई 2030, लेकिन अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत बजट्स रिड्यूस किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल PM पोषण स्कीम, मिड डे मील स्कीम को बदल करके भारत सरकार ने उसको रिस्ट्रक्चर करके नाम दिया PM पोषण। और इसमें मेनली जो बदलाव किया गया वो ये था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लेवल में जो स्कूल्स में लंच प्रोवाइड किया जाता है, फ्री कुक्ड हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता था मिड डे मील स्कीम में, अब उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को भी ऐड कर दिया गया है, बाल वाटिका को भी ऐड कर दिया गया है। प्राइमरी क्या होता है जी, प्राइमरी होता है 1st स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक, और 9th to 12th होता है सेकेंडरी। तो पहले मिड डे मील स्कीम में 1st से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे कवर्ड थे, अभी उसको ला दिया गया PM पोषण, उसको कर दिया गया, उसमें प्री प्राइमरी लेवल को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो प्री प्राइमरी लेवल को इंक्लूड करने के बाद आपको बजटरी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, PM पोषण के अंदर बजटरी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, बट देखा जा रहा है कि रीपैकेजिंग किया गया, रीनेमिंग किया गया विदाउट एनी एडिशनल फंडिंग एलोकेशन अंडर PM पोषण। सेम स्टोरीज विद समग्र शिक्षा अभियान, हमने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान और फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन के लिए और टीचर्स ट्रेनिंग, ये 3 अलग अलग स्कीम्स चल रही थी भारत सरकार की। टीचर्स ट्रेनिंग और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, इन तीनों को मर्ज करके एक स्कीम लाया गया समग्र शिक्षा अभियान। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नए नए चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करी जानी थी, येट समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो बजटरी एलोकेशन है वो कट डाउन हुआ है रादर दैन बढ़ना के अलावा। तो दीज आर सम एरियाज ऑफ कंसर्न, रिडक्शन इन बजटरी एलोकेशन। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, ये आप कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कंसर्न नहीं है, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही कंसर्न है, एसए में काम आ सकता है, एथिक्स में काम आ सकता है, जिसको हम कहते हैं द एग्ज़ाम कोनंड्रम। एग्जाम कोरेंड्रम है क्या, देखिए अभी हमारे देश में इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, गरीबों और अमीरों के बीच में इतना ज़्यादा अंतर है, अपॉर्चुनिटीज इतनी कम हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमारे देश के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कहीं नहीं पाते हैं कि आप लर्निंग पे फोकस करो रादर देन आउटकम के। देखिए आउटकम इन द फॉर्मेट ऑफ मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक बात होती है लर्निंग कि आपने चीज़ें सीखी कितनी अच्छे सी हैं, और दूसरा होता है मार्क्स ऑब्टेन करना, आउटकम। और मार्क्स ऑब्टेन करने में कुछ ना कुछ हद तक तो रोट लर्निंग का तो रोल होता ही है, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली बच्चे ने कितना सीखा है उसको इवेल्युएट कर पाना कठिन होता है, तो वो 3 घंटे में रोट लर्निंग वाले आगे निकल जाते हैं। और इसीलिए हमारे देश में जो पेरेंट्स हैं दे ऑलवेज इंड्यूस स्टूडेंट्स टू मग अप एंड गेट मोर मार्क्स इन द एग्ज़ाम। ये जो ज़्यादा मार्क्स पाने वाली जो
टेंडेंसी है दैट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ ह्यूज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड एज लॉन्ग एज देर इज ह्यूज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी दिस एग्जाम कोनंड्रम विल कंटिन्यू. एग्जाम्स को लोग हमेशा ही लर्निंग एबिलिटीज को चेक करने के बजाय उसको हमेशा ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने का जरिया बनाएंगे और जब तक ऐसा रहेगा तब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन गोल है लर्निंग पे फोकस करना वो अटेन नहीं हो पाएगा. और उसके अलावा बहुत ओवर एम्बिशियस प्लान्स रखे गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. फॉर एग्जांपल टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन के ऊपर पब्लिक स्पेंडिंग को यानी कि सरकार के स्पेंडिंग को 6% ऑफ द जीडीपी तक लाने का बट करंट एक्सपेंडिचर है समवेयर क्लोज टू 2.5 to 2.9%. तो लगभग डबल कर देना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो दैट इज़ वेरी एम्बिशियस टारगेट, ओवर एम्बिशियस टारगेट यू में से एज फार एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज कंसर्नड. कुछ डेटा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन सेक्टर. देखिए अगर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए तो वो थोड़ा सा घटा ही है, 3% से घट के 2.9% हुआ है और इसको हमें टारगेट है हमारा टू टेक इट अप टू 6% ऑफ द जीडीपी. तो विच इज़ वेरी एम्बिशियस टारगेट. इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा है तो यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस डेटा. वही बात की जाए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के स्कूल्स में, स्कूल के अंदर प्राइमरी अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में इनरोलमेंट के रेशियो की अगर बात की जाए, प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ स्टैंडर्ड तक, अपर प्राइमरी होता है सिक्स टू लेकर के एट स्टैंडर्ड तक और फिर सेकेंडरी उसके आगे होता है 9 to 12th. तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अगर आप देखें तो प्राइमरी में 100% से ज़्यादा ही है. 100% से ज़्यादा कैसे हो सकता है इनरोलमेंट रेशियो, वो भी एक बेसिक सवाल है कि 100% से ज़्यादा इनरोलमेंट कैसे हो सकता है. देखिए ऐसा होता है कि जितने बच्चे उस एज ग्रुप में हैं, वन से लेकर के फिफ्थ स्टैंडर्ड के एज ग्रुप में हैं, उससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वन से लेकर के फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं. ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि कुछ जो ओवर एज्ड बच्चे हैं जैसे कि मान लीजिए कि 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, उसको फिफ्थ स्टैंडर्ड से ऊपर होना चाहिए, उसको अपर प्राइमरी में होना चाहिए लेकिन वो पढ़ रहा है प्राइमरी में. तो इस तरह के कई सारे ओवर एज्ड बच्चे हैं वो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन अभी भी अटेन कर रहे हैं, वहाँ पे इनरोल्ड हैं, जिस कारण से प्राइमरी लेवल में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है दैट इज़ मोर देन 100%. कैसे निकाला जाता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मान लीजिए कि प्राइमरी लेवल तक में ओवरऑल बच्चे हैं जितने, उनकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ लेकिन पढ़ रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 7 लाख. क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे ओवर एज बच्चे भी हैं जो वन से लेकर के फिफ्थ में पढ़ रहे हैं. दैट इज़ हाउ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी वुड बी 107%. पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा घटा है प्राइमरी लेवल में भी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इट वॉज समवेयर क्लोज टू 107, इट हैज़ कम डाउन टू 103. लेकिन वहीं अगर बात की जाए अपर प्राइमरी यानी कि 6 से लेकर के 8 तक की और सेकेंडरी, तो वहाँ पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अभी भी काफ़ी कम है. वहीं बात की जाए अगर हायर एजुकेशन की यानी कि 12th के बाद ग्रेजुएशन की, तो हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है दैट इज़ हार्डली 27.3%. दिस डेटा शुड बी मार्क्ड अप फॉर राइटिंग एन आंसर. तो हायर एजुकेशन में हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज़ क्वाइट लो. टारगेट क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि स्कूल लेवल में हम लोग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% अटेन करेंगे एट बोथ अपर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. लोअर प्राइमरी में तो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% है ही, अपर प्राइमरी में और सेकेंडरी में भी 100% हम लोग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अटेन करेंगे बाई 2030. तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कैबिनेट अप्रूविंग रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS Paper 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या है न्यूज़, देखिए BSNL को वायबल बनाने के लिए और ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए यूनियन कैबिनेट ने BSNL के लिए एक 89,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया है. और ऐसा नहीं है कि BSNL के लिए पहली बार ये रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया है भारत सरकार ने, इसके पहले भी पिछले साल भी भारत सरकार ने 1.64 लाख करोड़ का रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया था, यानी कि 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज BSNL के लिए अनाउंस किया था. इसको लेकर के हमेशा ही क्वेश्चन उठते हैं कि आखिर BSNL पे इतना सारा पैसा खर्च कर क्यों रही है भारत सरकार, बिकॉज BSNL इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉस मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. यू सी दीज आर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हु आर लॉस मेकिंग. अब एयर इंडिया को तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है
बट BHEL हो, MTNL हो, दे आर हीविली लॉस मेकिंग एंटरप्राइज एंड BSNL उसमें भी सबसे आगे है, फिर भी उसको भारत सरकार जो है और ज़्यादा फंड दे करके उसको सर्वाइव करा रही है. सो देर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन सच काइंड ऑफ अप्रोच बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कई सारे लोग कहते हैं कि जिस तरीके से एयर इंडिया को हमने प्राइवेटाइज कर दिया, BSNL को भी हमें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए. लेकिन ये जो मौजूदा बजटरी एलोकेशन है, और पिछले साल भी 1.64 लाख करोड़ का जो बजटरी एलोकेशन था, उससे उम्मीद है कि 2026-27 तक BSNL विल ऑल्सो टर्न अराउंड एंड स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट. ये जो मौजूदा बजटरी एलोकेशन दिया गया है, इसका मेन गोल है कि BSNL की 4G सर्विसेज स्टार्ट कराई जाए और फिर फाइनली उसकी 5G सर्विसेज पे जाई जाए. तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि BSNL की फुल्ली फंक्शनल 4G सर्विसेज भी नहीं है, जब अभी बाकी सारे जो नेटवर्क्स हैं वो 5G सर्विसेज को रोल आउट कर रहे हैं. BSNL इज येट प्लानिंग टू गेट इनटू 4G सर्विसेज. तो BSNL अभी काफ़ी पीछे ऑफ कोर्स, एंड दैट इज व्हाई देयर हैव बीन सेवरल क्रिटिक्स आर्ग्यूइंग अगेंस्ट BSNL रिवाइवल पैकेज. लोग कहते हैं इट इज़ वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, हम सब टैक्स पेयर मनी का पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है इस तरह की लॉस मेकिंग प्रोपोजिशंस में इन्वेस्टमेंट करके. पुटिंग गुड मनी बिहाइंड बैड, तो बेसिकली एक पैसा है जिसको अच्छे किसी ऐसे सेगमेंट पे लगाया जा सकता है जहां से और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, जैसे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सकता है जिससे इकोनॉमी को और ज़्यादा फायदा हो, लेकिन उसके लगाने के बजाय हम लोग लगा रहे हैं BSNL में. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज पुटिंग गुड मनी बिहाइंड बैड. बट देर हैव बीन बेसिक रीजन्स वाई BSNL इज़ बीइंग सपोर्टेड बाई द गवर्नमेंट. क्या क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है रूरल ब्रॉडबैंड एजेंडा. BSNL जो है रूरल एरियाज़ में जहाँ पे इकोनॉमिक प्रपोजिशन वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, वहाँ पे जियो और एयरटेल जैसे जो कंपनियाँ हैं दे आर नॉट विलिंग टू गो. बट BSNL इज़ इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज़, फार फ्लंग एरियाज़, स्पेशली विथ लो इनकम कंज्यूमर्स. इकोनॉमिक बेनिफिट टू डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स. देखिए अभी BSNL का क्या है, भारत सरकार की कंपनी है तो उसके पास एक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि तुमको जो भी इक्विपमेंट्स ख़रीदने हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, वो इक्विपमेंट्स तुम लोकल मैन्युफैक्चरर से ही खरीदोगे. तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर का इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे BSNL के कारण डेवलप हो रहा है. जो लोकल पार्ट सप्लाई करने वाले जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हो रही हैं. बट इस तरह के नियम तो आप एयरटेल या जियो के लिए बना नहीं सकते कि आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है देश के ही मैन्युफैक्चरर से खरीदना है. तो BSNL के लिए ऐसे प्रैक्टिसेस के कारण देश के अंदर टेलीकॉम इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है. दैट इज़ अनदर एडवांटेज, इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ BSNL. BSNL का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है जिन जिन एरियाज़ में, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ में या फिर बॉर्डर रीजन्स में, जहाँ पे एयरटेल या जियो को बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रोपोजिशन दिखता नहीं है, वहाँ वो जाते नहीं है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने, बट BSNL उन सब जगहों पे भी सर्विस प्रोवाइड करता है. तो दैट इज़ द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ BSNL. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अभी बस दो ही प्लेयर्स बचे हैं, एयरटेल एंड जियो. और अगर BSNL को भी बंद कर दिया गया तो देयर विल बी ड्यूओपोली, और जो वहाँ ये एयरटेल और जियो हम कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं विथ हाई टैरिफ चार्जेस. लेकिन BSNL को सरकार बस जिंदा रख करके एक तरीके से थ्योरेटिकल अल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल कर रही है टू एयरटेल एंड जियो. थ्योरेटिकल अल्टरनेटिव इसको हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से तो हम लोग अभी BSNL का इस्तेमाल कर नहीं रहे, बट एटलीस्ट एयरटेल और जियो के ऊपर ये थ्योरेटिकली दबाव बनाने में तो काम आ रहा है कि अगर एयरटेल और जियो ने हम सब कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया विथ हाई टैरिफ रेट्स तो हम लोग स्विच कर सकते हैं BSNL पे. तो ये एक ऑप्शन हमेशा रखने के कारण BSNL एक थ्योरेटिकल अल्टरनेटिव बना हुआ है और एयरटेल और जियो को कभी भी एक्सप्लॉइटेटिव एक्सट्रैक्टिव पॉलिसीज अपनाने नहीं देगा. एंड दैट इज़ हाउ इनडायरेक्टली BSNL इज सपोर्टिंग अस, दो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ BSNL. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अंतरदृष्टि डैश बोर्ड. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS Paper 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए छोटा सा न्यूज़ है, हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने एक नया डैशबोर्ड लॉन्च किया है, अंतरदृष्टि. अंतरदृष्टि डैशबोर्ड का पर्पस होगा कि हमारे देश के अंदर कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है उसको उसका डेटा रिकॉर्ड करेगा. और यह सिर्फ ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के डेटा रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो रीजनल लेवल पे भी अलग अलग जगहों पे कितना डेटा या फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है उसके डेटा वो रिकॉर्ड करेगा, जिसके बेसिस पे RBI रीजन स्पेसिफिक टारगेट प्लान बना सकती है टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन. जैसे जिस एरिया में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन लो होगा उस एरिया के लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशन करके RBI उस एरिया का
फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा सकती है। तो दैट वुड बी द बेनिफिट ऑफ अंतर्दृष्टि दास बोर्ड। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया अंतर्दृष्टि दास बोर्ड, तो देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। देखिए वैसे आप जानते होंगे बट मैं एक बार बता देता हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मेथड ऑफ ऑफरिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स। जिस एरिया में जितने ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल होंगे और इंडिविजुअल्स अगर उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप मानेंगे कि उस एरिया का उतना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। तो एम होता है टू इंक्लूड एवरीबडी इन सोसाइटी बाई गिविंग देम बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डलेस टू देयर इनकम और सेविंग। हर आदमी चाहे गरीब हो अमीर हो सबको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलने चाहिए, और फाइनेंशियल सर्विसेज मिलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट होना नहीं होता है। देर आर मैनी क्राइटीरियाज फॉर ए इंडिविजुअल टू बी काउंटेड एज मेंबर अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबसे पहला क्राइटीरिया है देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट। नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट का क्या मतलब होता है? देखिए नॉर्मली बैंक अकाउंट में पहले नियम होते थे मिनिमम बैलेंस का, कि मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये रखने हैं। तो दैट वाज एक्टिंग लाइक अ एंट्री बैरियर फॉर मेनी इंडिविजुअल्स हु कुड नॉट अफोर्ड टू कीप असाइड मिनिमम बैलेंस ऑफ 5,000 एंड फॉरगेट अबाउट इट, कि 5,000 रखिए भूल जाइए, मिनिमम बैलेंस आपको रखना है। दैट वाज एन एंट्री बैरियर। अभी लाया जा रहा है नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट, आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पहले आपको नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट रखना होगा। यू विल हैव टू प्रोवाइड सेविंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट वगैरह, पेंशन फंड्स वगैरह, ये सब प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल कराने होंगे। इन्वेस्टमेंट फंड्स अवेलेबल कराने होंगे, एफडी वगैरह के ऑप्शंस अवेलेबल कराने होंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करानी होगी। यानी कि भले अकाउंट में आपके 10,000 रुपये हैं लेकिन आप 12,000, 15,000 यानी कि जितनी भी आपका डिपॉजिट उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने की आपको फैसिलिटी अवेलेबल करानी होगी। रेमिटेंस की फैसिलिटी अवेलेबल करानी होगी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी अवेलेबल करानी होगी। माइक्रो इंश्योरेंस फॉर लाइफ एंड नॉन लाइफ ऑप्शंस अवेलेबल कराने होंगे, माइक्रो पेंशन प्लान्स। ये सारी चीज़ें जब आपके पास अवेलेबल होती हैं तब आप कह सकते हैं कि आप बेसिकली फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं। कई सारे स्कीम्स भारत सरकार ने अनाउंस किए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है तो इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें लगभग 45 या 46 करोड़ नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट खोले गए हैं। अदर स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि जीवन सुरक्षा बंधन योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये सब पेंशन स्कीम्स, अटल पेंशन योजना एंड ऑल, ये सब पेंशन स्कीम्स अलग अलग तरीके के अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के लिए इस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैम ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी क्या होता है जी? जे इज़ फॉर जनधन, ए इज़ फॉर आधार एंड एम फॉर मोबाइल। ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, तो इससे क्या होता है कोई भी गवर्नमेंट स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मोड में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि पहले कैसा होता था कि आपको कैश में पैसा दिया जाता था, तो कैश का पैसा सरकारी ऑफिसेज में आता था, फिर वहाँ से आप तक पहुँचता था। जैसे कि कोई किसान है, उसके लिए कोई स्कीम है भारत सरकार की, मौजूदा स्कीम जैसे पीएम किसान है, 6,000 रुपये दिए जाने फार्मर्स को। अब वो लोकल ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक ऑफिस में आएगा, वहाँ से लोगों किसानों को बटेगा, तो नेचुरल सी बात है कि करप्शन के चांसेज होते थे, लीकेज के चांसेज होते थे। तो अब इन सारे करप्शन के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, किसान के अकाउंट में सीधा सीधा ट्रांसफ़र कर दिया। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंट होना ज़रूरी है और अकाउंट का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो अकाउंट के लिए हमने खोला जनधन अकाउंट जनधन योजना के अंतर्गत, अकाउंट का वेरिफिकेशन होने के लिए कि उसी आदमी का है जिसको इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिलना, उसके लिए आधार से वैलिडेशन किया गया, और एम मोबाइल को भी लिंक किया जाता है ताकि फार्मर्स को या किसी भी अलग बेनिफिशियरीज को किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि उसके अकाउंट में इतना पैसा जमा किया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये सब तरीके हैं भारत सरकार ने अपनाए हैं हाल फिलहाल में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। अगर करंट स्टेट की बात की जाए, लेट अस सी सम डेटा विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरबीआई ने एक और इनिशिएटिव लिया था, अभी तो लिया है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, लेकिन एक और इनिशिएटिव लिया था आरबीआई ने दो साल से, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कैलकुलेट करना, कि हमारे देश का ओवरऑल कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कैलकुलेट कर रही है आरबीआई पिछले दो सालों से। 2020-21 का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था 53.9% और 2021-22 का 56.4%। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचना कि 56.4% लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो एक्सेसिबिलिटी यानी कि कितने लोगों को एक्सेस है उसका तो ध्यान देता ही है, यूजेज भी देखता है। ऐसा है कि आपने सिर्फ बैंक अकाउंट खोल दिया और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी नॉट कंफ्लेटेड एज
फाइनेंशियल इंक्लूडेड, तो 45% फोकस है यूजेज पर, और तीसरा है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पे। पता चला कि एटीएम मशीन है तो आपके एरिया में, लेकिन हमेशा लिंक फेल ही रहता है, सो क्वालिटी विल बी कंसिडर्ड पुअर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे, एक्सेस, यूज एंड क्वालिटी के बेसिस पे निकाला जाता है, और आरबीआई मार्क कर रही है धीरे धीरे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम पुलिस सेवा सेतु, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यू सी, एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है असम पुलिस सेवा सेतु। उसमें कैसा है कि 26 तरह के सर्विसेज, पुलिस से रिलेटेड सर्विसेज आप अब ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंटली रिपोर्ट क्राइम्स एंड सबमिट ग्रेवांसेज, रजिस्टर सीनियर सिटीजन्स लिविंग अलोन, वेरिफिकेशन फॉर जॉब एप्लीकेशन, टेनेंट्स एंड डोमेस्टिक हेल्प, फाइल रिपोर्ट्स फॉर मिसिंग पर्सन, चाइल्ड रिलेटेड इशूज, लॉस्ट फाउंड प्रॉपर्टी, अप्लाई फॉर इवेंट परमिशंस, NOCs, ये सब, शेयर क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीक्रेटली, ये सब आप सीधा सीधा ये जो पोर्टल है लॉग इन करके पुलिस पॉल सिटीजन .assam.gov.in पे जाकर के आप ये सारे सर्विसेज और इस तरह के 26 सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। यू सी हाउ गुड आइडिया इट इज़, बिकॉज इन जनरल नन ऑफ अस, नो कॉमन सिटीजन वुड लाइक टू गो टू पुलिस स्टेशन, राइट? हम जाना नहीं चाहते हैं, तो नाउ यू कैन अवेल सच सर्विसेज ऑनलाइन मोड में ही, तो दैट विल बी अ गुड रिफॉर्म इन पुलिस। अभी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड हमने एक अच्छा आर्टिकल कवर किया था, कई सारे पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें देखी थी 10 मई 2023 के एनालिसिस में। लगभग पिछले महीने ही हमने पुलिस रिफॉर्म्स ऑफ असम कवर किया था 10 मई को, उसमें ये वाला इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दीजिएगा, असम पुलिस सेवा सेतु। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, यस, BPPI इज़ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, बट यहाँ पर सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, जेनरिक वर्जन मिलती हैं दवाइयाँ की, आयुर्वेदिक सिर्फ नहीं मिलती हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी इन दिस पर्टिकुलर केस वन ओनली। और यहाँ पे पूछा गया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, बट दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ब्रिक्स वर्क इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दैट इज ट्रू। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRI इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो करेक्ट आंसर वुड बी 2 एंड 3 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।